में कोरोना के अब तक कुल 10 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 8 मरीज ठीक भी हो गए हैं और अस्पताल से उनको छुट्टी देने के बाद वो अपने घरों को लौटे हैं। प्रदेश में फिलहाल 2 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज जारी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर दी गई थी और देश में जैसे ही मामले आने शुरू हुए, यहाँ भी प्रभावितों की पहचान करने के साथ ही उन्हें क्वारंटाइन करने के साथ अन्य उपाय किए जाने लगे और वक्त रहते विभागों ने सभी जरूरी एक्शन लिए। यही वजह है कि यहाँ अब तक 10 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिनमें से 8 स्वस्थ होकर घर लौट गए। इसमें एम्स रायपुर के डॉक्टर और वहां की पूरी टीम की सबसे अहम भूमिका है। आपको ये भी बता दें कि नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में है। ये बात भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद भी सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशीष तिवारी फोन लाइन पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ गए हैं। आशीष जी, वाकई में नोबेल कोरोना का जो असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है, उसका सबसे कम असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला और समय रहते जो प्रबंध किए गए, उसका नतीजा यह है कि 10 में से 8 ठीक होकर घरों को चले गए, 2 का इलाज जारी। देखिए, तस्वीर तो यही बताती है रश, और दरअसल छत्तीसगढ़ ने जिस तरीके से कोरोना पर एक बड़ी जीत दर्ज की है कि जो 10 पॉजिटिव केसेस थे, अब महज 2 ही इस पॉजिटिव एम्स में रह गए हैं और 8 पेशेंट जो थे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, ये लोग अपने घरों पर जा चुके हैं। ये जो पूरी कवायद है, ये सरकार की काफी सराही जा रही है। कल जब कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चीफ सेक्रेटरी के साथ बातचीत कर रहे थे, तब भी देश भर के जो चीफ सेक्रेटरी थे उनके साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी और उस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान छत्तीसगढ़ ने जिस तरीके से अपनी प्राथमिकताएं तय की और कोरोना पर एक तरीके से बड़ी जीत दर्ज की, उसे काफी सराहा, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से देश भर से निकलकर सामने आ रहे हैं, ये बताते हैं कि बड़ी तादाद में केसेस देश में बढ़ रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में 748 से ज्यादा केस हो चुके हैं और 24 घंटे में देश की बात करें तो 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कई राज्यों में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। और एम्स प्रबंधन के साथ साथ जो बिलासपुर का एक हॉस्पिटल और राजनांदगांव का जो एक हॉस्पिटल था जहां कोरोना पॉजिटिव केसेस थे, उन हॉस्पिटलों से भी डिस्चार्ज कर दिए गए हैं पेशेंट। एम्स में अब 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है और प्रबंधन का कहना है कि उन्हें भी जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालात ऐसे क्यों बने? दरअसल कोरोना को लेकर देश में जब चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, कोरोना ने देश में दस्तक दी और इस बात की चिंता सताने लगी सरकारों को कि ये प्रकरण बढ़ते जाएंगे, लिहाजा इस पर ब्रेक लगाने की जरूरत है, तभी छत्तीसगढ़ ने इसके उपायों पर काम करना शुरू कर दिया था। देश में पहली बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च को हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में 19 तारीख से ही लगभग कर्फ्यू के हालात बन गए थे। लोगों को घरों के भीतर रहने की हिदायत सरकार की ओर से लगातार दी जा रही थी, पुलिस लगातार रोड पर निकलकर लोगों को घरों के भीतर दाखिल करने की कवायद में जुट गई थी। और इस पूरी कवायद के साथ साथ महत्वपूर्ण जो पहलू था वो पहलू ये था कि इस बीच मेडिकल सिस्टम्स का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, उस पर भी सरकार ने ध्यान दिया। आज भले ही छत्तीसगढ़ में महज 2 ही कोरोना पॉजिटिव मरीज बाकी रह गए हैं, लेकिन राज्य सरकार की जो आने वाले दिनों की तैयारी बताती है कि तकरीबन 6,000 से ज्यादा बेड जो है वो अलग अलग जिलों में तैयार किए गए हैं और ये एक तरीके की आने की तैयारी सरकार की दिखती है, ताकि कोरोना के यदि मल्टीपल केसेस सामने यदि आते हैं, संभावित बढ़ोतरी को लेकर सरकार का ये आकलन है, तो ऐसी सूरत में राज्य किस तरीके से अपने एक्शन को आगे प्लान आउट करेगा, ये तैयारी आज नजर आती है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि कोरोना प्रबंधन में छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में शुमार किया गया, ना केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बल्कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, इसके अलावा बड़ी तादाद में स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी हैं, वो लगातार कोरोना पर बारीक नजर रखे हुए हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो अगले 48 घंटों तक कर्फ्यू एक तरीके से पूरी तरीके से घोषित कर दिया गया है और जो जरूरत की चीजें हैं वो भी बमुश्किल मिल पा रही हैं। मकसद यही है कि कोरोना का संक्रमण
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना फैले इसे रोकना, और कहीं ना कहीं इस पर सरकार काबू पाती नजर आती है। बिल्कुल, बाकी में जहां केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने सोचना शुरू किया, वहां पे प्रदेश की सरकार ने उस काम को कर के दिखाया जो नजीर बन के पूरे देश में अब सबके सामने। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। ऊधम सिंह नगर में एक ऐसा मामला